मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और काफी टाइम हो गया, तो जान ही चुके होंगे अपने चैनल का नेम है आरटी एकेडमी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पूरा कंप्लीट लेक्चर सेशन 22-23 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है। सारे सब्जेक्ट हैं जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, बेसिकली जो स्कोरिंग भी होते हैं, जो मैं कह रहा हूँ मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए वो स्ट्रीम थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो उनके लिए भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, कंटिन्यू लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। और इस समय मैं मैथ्स में हम लोग कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर अलजेब्रा का भी आज बारी लेक्चर नंबर 3 की। इसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को कंसीडर किया है, आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग इसको कम्प्लीट भी कर लेंगे, तो मैंने क्वेश्चन भी ले रखे हैं और ऑलमोस्ट जितनी थ्योरी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो पूरी थ्योरी मैंने कंसिडर करी है आज। इसके बाद हम लोग 3D ज्योमेट्री में आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो वगैरह सब कुछ करेंगे, डिटेल लेक्चर हम लोग करेंगे। जितना जो रिड्यूस सिलेबस है सब यहीं से ही आएगा, जितना भी हम लोग कराएंगे वही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। बाद में एनालिसिस भी करके आपको दिखाएंगे, जितना लेक्चर में कराया जा रहा है वही कहीं ना कहीं मैच आपको बोर्ड में भी करेगा। तो चलिए देर नहीं करते, हम लोग जल्दी से सेशन को आज स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर कंप्लीट भी करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मैंने ले रखे हैं और थ्योरी भी है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरा कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में दो बातें हैं जो आपको सीखनी है। सबसे पहली चीज, यहां पर मैं ये कहूंगा, एक यहां पर डायरेक्ट मेथड होता है और एक होता है फॉर्मूला। जैसे मैं बात करूं फॉर्मूला की, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अच्छा, एन कैप है क्या? कैप के बारे में तो पता ही है, यूनिट वेक्टर, लेकिन ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर इसको हम लोग कहते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, मतलब प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर आप यहीं पर लगा दें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो वन हो जाएगा, तो केवल इतने पे ही मॉड रहेगा, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये चीज बन जाएगी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अच्छा, डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मान लीजिए आपको ए वेक्टर दिया गया है ए वन आई बी वन जे प्लस सी वन के, और बी वेक्टर आपको दिया गया कुछ इस तरीके से ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस ए टू बी टू सी टू के, और यहां पर अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है, यहां पर एंगल तो दिया नहीं गया है, तब आप यहां पर डिटरमिनेंट मेथड का यूज करेंगे आई जे के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू आई माइनस का जे प्लस का के। यहां पर तो आप जान गए क्या लिखना है, आई जब लिखेंगे तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, अब ये इनको आपको फिल कर लेना है। हाँ, एलआर के तौर पर मैं एक चीज जरूर बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट भी है, वो ये कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस सी, क्योंकि ये डायरेक्शन होती है, तो अगर कोई डायरेक्शन है यानी कि उसके लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या चीज उसमें करी है, यानी कि जो ए क्रॉस बी है वो होता है माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि डॉट वाले केस को ले लेते हैं, डॉट अलग चीज है क्रॉस अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा,
मैं एक चीज और बताऊंगा, बाकी मैं इसको बाद में लिखा दूंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है कि जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो जो ए क्रॉस बी है वो उन दोनों वेक्टरों में परपेंडिकुलर होता है। जैसे फिजिक्स वगैरह में आप फ्लेमिंग रूल वगैरह ये सब चीजें डिस्कस करते हैं तो कहा जाता है कि एक डायरेक्शन ये दूसरी डायरेक्शन ये, तो तीसरा जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो ये कुछ वैसा ही। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का अगर मैं क्रॉस करूंगा तो ये एक ऐसा वेक्टर निकल करके आएगा जो कि ए वेक्टर में भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर। 3D के बहुत सारे फॉर्मूले इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं जो कि आसानी से निकल आते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर, अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा था और ये चीज आ गई। जैसे मैं कहूं कि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर perpendicular to both vector, यानी क्या कहते हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, then a vector which is perpendicular to the both vector, मतलब तो दोनों वेक्टरों पे perpendicular है, दोनों ही वेक्टरों पे, तो क्या होगा, वो होगा हमारा a cross b। इसको मैं कह सकता हूं नॉर्मल वेक्टर, लेकिन आपसे यहां पर कहते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो कि है एन कैप इक्वल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, और आपसे कहा जाए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट भाई यूनिट वेक्टर कैसे निकाल देते, किसी भी वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब यूनिट नॉर्मल कहां गया है, तो पहले तो नॉर्मल वेक्टर निकाल लो, पर हम लोगों को दिख भी रहा है कि जो नॉर्मल वेक्टर है हमारा वो होता है a क्रॉस b, और यूनिट नॉर्मल कहां गया, यानी कि a क्रॉस b का अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b, मतलब किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो नॉर्मल वेक्टर पता ही था, यूनिट नॉर्मल निकाल लिया हम लोगों ने। चलिए हम लोग आगे देखते हैं लैग्रेंजियस आइडेंटिटी, ये एक अच्छी चीज निकल करके आई है। चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चीज तो आप ये समझिए कि जो a डॉट b है वो होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। हाँ, अगर इस पे आप डॉट लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं इसमें कर दूं a वेक्टर डॉट b वेक्टर स्केलर वैल्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गई क्वेश्चन नंबर वन। जैसे मैं आपसे कहूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, अब वही चीज यहां पर अगर आप a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड ले लें तो बन जाएगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b sin थीटा, वो n कैप हो जाएगा 1 या गेट 2। अब देखिए अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया जाए, फर्स्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर a डॉट b का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का स्क्वायर, तो ये
यहाँ पे मिलेगा आपको मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन। यानी कि यहां से रिजल्ट आपको मिलेगा ए डॉट बी का स्क्वायर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ये आपके लिए लैग्रेंजियन आइडेंटिटी है। इसका हम यूज भी कई जगह कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको ए डॉट बी दिया जाए और ए क्रॉस भी आपसे पूछे और दो वेक्टर दिए जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जनरली क्रॉस और डॉट दोनों दिए जाए तभी आप इसका यूज कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। मैंने इसका प्रूफ भी इसीलिए बता दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको बोलते हैं लैग्रेंजियन आइडेंटिटी। फिर एक चीज नहीं निकल करके आ रही एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो चलिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन ए बी सी, मान लीजिए इसके अलोंग ए वेक्टर लगा हुआ है, इसके अलोंग बी वेक्टर लगा हुआ है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइंग अलोंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन एरिया इक्वल टू वन बाई टू मॉड ऑफ ए क्रॉस। आपको बस करना क्या है कि आपको दोनों साइड के अलोंग वेक्टर दिया जाना चाहिए। अब जैसे मान लो कि आपको पोजीशन वेक्टर ए बी सी दिए जाए तो आप ए बी वेक्टर निकाल लो, ए सी वेक्टर निकाल लो। अच्छा ए बी वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। ए बी वेक्टर मान लीजिए आपको निकालना हो तो ए बी वेक्टर निकालने का जो तरीका है वो है OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और AC वेक्टर को निकालने का जो तरीका है वो है OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। इस मेथड से आप दोनों को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ अगर साइड ही दी जाए कि A वेक्टर B वेक्टर दोनों साइड के अलोंग लग रहे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो अगर पोजीशन वेक्टर दिए जाते हैं तो अलग से तरीका लगाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए होंगे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में टू एडजेसेंट साइड होंगी ही होंगी, आप कोई भी दो ले लें तो आपका जो एरिया निकल करके आता है अगर टू साइड्स है 1 बाय 2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आप यहां इसको नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बाकी हम लोग इसके और भी दो चार चीजें सिखाए थे। मान लो इसी में आपसे कहा जाए कि ये एक ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए गए हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताना है तो वो हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, आप करोगे वो मिल जाएगा नॉर्मल वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कहा जाए इस प्लेन के अलोंग, इस ट्रायंगल के अलोंग, इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर वेक्टर आपसे कहा जाए तो आप क्या करोगे, ए बी वेक्टर, कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक में, होल अपॉन मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ये एक ऐसा वेक्टर है जो ट्रायंगल के, जो ट्रायंगल जिस प्लेन में उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए टू मेथड हैं, आप इसको दो तरीके से फाइंड आउट करेंगे।
केस फर्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन। जैसे आपके पास एक वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये वेक्टर गिवन है बी वेक्टर, तो इस केस में जो एरिया निकल करके आएगा आपका वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए केस सेकंड की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डी वन वेक्टर एंड डी टू वेक्टर आर टू वेक्टर्स लाइज along diagonals। जैसे ये आपको दिया गया डी वन वैक्टर, ये एक दिया गया आपको डी टू वैक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन का, यहां पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो यहां पे जो एरिया आपका निकल करके आएगा 1 by 2 mod of d1 vector cross d2 vector। देखिए जब आपको adjacent side दी जाएंगी, देखिए यहाँ पे जो role है important role किस चीज का, ये देखिए आप पहले, सबसे पहली चीज जब two adjacent side दी जाए तब उस केस में area है mod of a cross b, और जब diagonals दिए जाएं तब एरिया है 1 by 2 mod of d1 cross d2। यानी कि एक वेक्टर और बी वेक्टर पैरेललोग्राम के साइड के अलोंग लग रहे हैं, और d1 वेक्टर और d2 वेक्टर ये डायगोनल के अलोंग लग रहे हैं। जब डायगोनल दिया जाएगा तो 1 by 2 mod of d1 cross d2 कर देना है, mod मतलब मैग्नीट्यूड है, यानी कि d1 cross d2 करने के बाद मॉडुलस निकालना पड़ेगा। और यहां पर a cross b है, यानी कि जो साइड होंगी साइड के अलोंग दो वेक्टर लगे होंगे उनका क्रॉस निकालेंगे, फिर उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यहाँ पे एंगल वगैरह का रोल नहीं रहता है, ना ही एंगल की बात करी जाती है। तो जितना भी हम लोगों ने थ्योरी का पार्ट डिस्कस किया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला पार्ट ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट था, दो तरीके से निकलता है, एक फॉर्मूला है, एक डायरेक्ट मेथड है, फिर एक यूनिट वेक्टर जो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, दैट इज ए क्रॉस बी, यूनिट है तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। फिर लैग्रेंजियन आइडेंटिटी, यानी कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब आपको दो एडजेसेंट साइड दी जाएंगी तो 1 by 2 mod of a cross b, या आप इसमें ये भी लगा सकते हैं कि अगर साइड दी गई है मान लो पोजीशन वेक्टर है तो ab वेक्टर क्रॉस ac वेक्टर भी आप कर सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये टू मेथड से निकलेगा, जब एडजेसेंट साइड गिवन होंगी तो mod of a cross b, जब आपको डायगोनल गिवन होंगे तो 1 by 2 mod of d1 cross d2। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के पार्ट पे। देखिए पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो रही है अपनी। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 रूट 3 यूनिट दैट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स। इन दोनों में परपेंडिकुलर है, चलो। अच्छा एक चीज, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसे डिस्कस करी थी कि मतलब फर्स्ट लेक्चर में ही किया था हम लोगों ने बेसिकली, अगर आपको एक वेक्टर फाइंड करना हो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में तो करते क्या है, जो वेक्टर फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर उसी से मल्टीप्लाई कर दो। हमसे कहा गया कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है, i प्लस 2j प्लस k, और बी वेक्टर है -i
प्लस 3k प्लस 4k, तो जो n वेक्टर है हमारा वो क्या हो जाएगा एक तरीके से a क्रॉस b। जरा हम यहां पे क्रॉस कर लेते हैं, i j k, 1 2 1 माइनस 1 3 4, i 8 माइनस 3 यानी कि 5, माइनस j 4 प्लस 1 यानी कि 5, प्लस k 3 प्लस 2 यानी कि 5। आप चाहें तो कॉमन कर लें, i माइनस j प्लस k। हमको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, और जो मैग्नीट्यूड होगा उसका, मैग्नीट्यूड उसका होगा 10√3, यानी कि जो वेक्टर होगा हमारा, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, मैंने मान लीजिए कह दिया p वेक्टर, वो हो जाएगा 10√3 n कैप। तो 10√3 तो ठीक है, n कैप का मतलब 5 i माइनस j प्लस k होल अपॉन अंडर रूट, इसी का मैग्नीट्यूड, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 प्लस 25, यानी कि 25 अगर आप बाहर लेंगे तो 5 1 1 1 3, यानी कि 10√5√3, तो 10√3 इनटू 5 i माइनस j प्लस k होल अपॉन 5√3, 5 5 कैंसिल, √3 तो √3 कैंसिल, यानी कि 10 i माइनस j प्लस k, यही हमारे लिए आंसर आ गया। तो एक वेक्टर ये आ गया हमारा, और इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि ये वाला जो वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैंने इसको फिलहाल के लिए कह दिया बी पी वेक्टर, और इसको मैंने कह दिया क्यू वेक्टर। तो हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो p वेक्टर और q वेक्टर दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर, यानी कि n वेक्टर या यूनिट वेक्टर ऑफ n ये हो जाएगा p क्रॉस q होल अपॉन मॉड ऑफ p क्रॉस q, p क्रॉस q होल अपॉन मॉड ऑफ p क्रॉस q। चलिए हम पहले p वेक्टर निकाल लेते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, 3 प्लस 1 4i, 2 प्लस 2 4k, 2 माइनस 2 यानी कि 0k, q वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर, 3 माइनस 1 2i, 2 माइनस 2 यानी कि 0j, 2 प्लस 2k यानी कि 4k। तो जो p क्रॉस q पहले निकाल लेते हैं, i j k, 4 4 0 2 0 4, i 16 आ जाएगा, माइनस का j, ये लाइन हटेगी, 16 फिर से आएगा, प्लस k -8। तो जो हमारा यहां पे वेक्टर आएगा, देखिए क्या आएगा, 16 कॉमन, 16i -16j प्लस 8 -8 के सॉरी होल अपॉन रूट ओवर 256
प्लस 256 प्लस 64। अगर आप 64 यहां से कॉमन लेंगे तो 4 4 और 1 9 आ जाएगा, यानी कि 8 इनटू 3 69 माइनस 16j माइनस 8k, तो 8 इनटू 3 बचेगा यहां 576 आएगा। 8 से डिवाइड कर दीजिए तो 2i माइनस का 2j माइनस का k होल अपॉन, तो ये हमारा एक नॉर्मल वेक्टर आ गया जो कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में, देखिए सीधी सी एक बात आपको समझनी है, अगर कभी भी आपको एक वेक्टर फाइंड करना हो जो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर हो वो हो जाएगा a क्रॉस b, और जब भी यूनिट की बात करी जाए तो आपको उसी से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। एक क्वेश्चन ये a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर गिवन है, फाइंड अ वेक्टर d वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। अच्छा बोथ पे अगर परपेंडिकुलर है यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो d वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b होगा, जरूरी नहीं कि a क्रॉस b हो, लेकिन हो सकता है उसके पैरेलल भी हो। तो यहां पर आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी पहले तो a क्रॉस b की, i j 3 minus 2 7 i 28 plus 4 32 minus j 7 plus 7 minus 6 1 plus k minus 2 minus 12 यानी -14, यानी जो d वेक्टर है हमारा वो जो लैम्डा टाइम्स 32i माइनस जे माइनस 14। अच्छा एक बात और कही गई, ये कंडीशन है इसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं कि c डॉट d की वैल्यू कितनी है 15, c डॉट d इक्वल टू 15, तो c वेक्टर ये है आपके पास, इसका डॉट करिए जरा इसके साथ, तो 64 लैम्डा प्लस का लैम्डा 56 लैम्डा इक्वल टू 15। अब देखिए ये आ जाएगा 63 जब आपके पास आएगा और 56 आप जब माइनस करेंगे 65 आएगा सॉरी, तो ये 9 मिल जाएगा आपको, 9 लैम्डा इक्वल टू 15, तो 3 से कट करेंगे तो 35 जो 15 33 जो 9 यानी कि लैम्डा की वैल्यू 35 बाई 3 आ जाएगी, तो जो हमारा d वेक्टर है वो आपको मिलेगा 5/3 32i माइनस j माइनस 14k, यही हमारे लिए d वेक्टर आंसर आ चुका है। ठीक, चलिए लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिकली जो सारे क्वेश्चन है वो परपेंडिकुलर पे ही बेस्ड है, इसलिए आसान भी है। देखिए आपको एक ट्रायंगल गिवन है, चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, ये कहा गया कि एक ट्रायंगल है जिसके तीन वर्टेक्स हैं ए बी सी, कोऑर्डिनेट गिवन है इनके 1, 1, 2 2, 3, 5 1, 5, 5। तो सबसे पहली बात तो आपको ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो जो ओ ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस 2k, ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j 5k, और ओ सी वेक्टर है आपका i प्लस 5j प्लस 5k। अब आप कर लो ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर के लिए मैंने बताया भी था ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर,
तो आपको क्या मिल जाएगा, 2-1i, 3-j, 2j प्लस 3k। निकालो आप एसी वेक्टर, ये 0i, 4j प्लस 3k। अब एरिया निकालना है, ये टू लाइंस आपको दी गई हैं, तो पहली बात तो आपने करो ए बी क्रॉस एसी, I, J, K, 1, 2, 3, 0, 4, 3, तो I cap 6-12 माइनस J 3-0, K cap 4-0, तो आपको मिलेगा माइनस का 6i प्लस का 3j प्लस का 4k, ये आपका। और हमसे कहा गया कि एरिया बताना है, जैसे हम मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ab क्रॉस ac का, ab वेक्टर क्रॉस ac वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 16 अंडर रूट 61, तो एरिया हो जाएगा आपका 1/2 मॉड ऑफ एबी क्रॉस एसी, यानी कि आ जाएगा 1/√60। ये हमारा आंसर आ चुका है। स्क्वायर यूनिट आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया है स्क्वायर यूनिट। तो जब भी कभी आपको ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स दिए जाए, तो एबी वेक्टर और एसी वेक्टर निकाल लेंगे, उनका क्रॉस निकालेंगे, उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। मैंने डिटेल में आपको बताया था जब फार्मूला को डिस्कस कर रहे थे, जैसे एक क्वेश्चन ये आया, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर दिस एंड दिस। एरिया निकालना है, फिगर बना लेते हैं। ये ए वेक्टर है हमारा, I माइनस J प्लस 3K, और इस डायरेक्शन में B वेक्टर गिवन है जो कि है 2I माइनस 7J प्लस K। तो A क्रॉस B क्या आ जाएगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर I J K, 1-1, 3, 1-1, 3, 2-7, 1। तो I की बात करें, -1 + 21, माइनस J की बात करें 1-6 प्लस के -7 + 2, 20i -+ 5j -7 + 2, यानी कि -5k, ये आ जाएगा। और हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हो, कहीं मिस्टेक है तो -1 + 21 करेक्ट है, फिर 1-6 ये भी सही है, ठीक। तो एरिया के लिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट 400 + 25 + 25 450। 25 अगर 5 आप कॉमन लेते हैं तो 25 से कितने टाइम्स में चला जाएगा, 18 टाइम्स में। अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 25 × 18 450 आ जाएगा।
अब इस 18 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 into 2, 9 का 2 भी हमारा 9 का 3 आ जाएगा आउटसाइड, यानी कि 9 3 15, 5 3 15 √2, 15 √3 स्क्वायर, ये चीज हमारी आ चुकी है। जब आपको एरिया निकालना हो पैरेललोग्राम का, बट एडजेसेंट साइड गिवन होनी चाहिए, कंडीशन ये है, तो उस केस में जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी देखिए फिगर कंपलसरी है, इस केस में आपको डायगोनल्स गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। तो ये फर्स्ट केस हो गया मान लीजिए ए वेक्टर, और सेकंड केस हो गया आपका ये बी वेक्टर। डिटेल आपको गिवन, अच्छा ए वेक्टर के लिए क्या गिवन है, 3i - j + 2k, 3i - j + 2k, और बी वेक्टर है i - 3j, जब डायगोनल गिवन होंगे तो उस केस में जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा 1/2 मॉड ऑफ d1 × d2। यहां पर d1 और d2 का वर्क कौन कर रहा है, a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा a वेक्टर और b वेक्टर का क्रॉस निकालना, i j k, 3 - 1 2 1 - 3 and 4। I, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं डिटरमिनेंट से इसको सॉल्व करेंगे, i - 4 + 6 - j 12 - 2 + k - 9 + 1 2 i - 10 j - 8। लेकिन जो एरिया होगा वो होगा हाफ ऑफ मॉड d1 × d2, तो हाफ d1 का काम कर रहा है a वेक्टर और d2 का काम कर रहा है b वेक्टर, √4 + 100 + 64, यानी कि आ जाएगा आपका 1/2 √170। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, √170 ही रहेगा, आपको इसको सॉल्व नहीं करना, 1/2। तो ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, और इसके लिए मैंने आपको बता दिया था पहले स्टार्टिंग में, देखिए जब भी कभी एरिया निकालना हो तो क्या है, जब आपको एडजेसेंट साइड गिवन है जिस केस में, तो जो एरिया निकलेगा वो किससे निकलेगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से, और जब आपको डायगोनल गिवन है तो उस केस में जो एरिया निकलेगा वो किससे निकलेगा, 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। तो आई थिंक आज का जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा, आज इस लेक्चर के साथ ही हम लोग का जो वेक्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, इतना ही पार्ट है, वैसे दो एक्स्ट्रा पार्ट भी होते हैं, बोर्ड्स में पहले भी होता था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और अगर जेई की बात करें तो उसमें एक और एक चीज इंक्लूड हो जाएगी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये दोनों इस बार नहीं है, तो जितना था सफिशियंट था यहीं से आएगा सारे क्वेश्चन, आप जितने भी देखें आप जान ही रहे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और आप हम लोग जहां पर मिल रहे हैं उस शानदार प्लेटफॉर्म का नेम है आरटी एकेडमी, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, एक ही नहीं है, जितना यहां कराया जाएगा सेशन 22-23 के लिए सफिशियंट है, आप बाद में हम लोग जब एनालिसिस करेंगे पेपर के बाद आपको देखने को मिलेगा कि सब कुछ यहीं से था। तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, बाकी बहुत जल्द मिलेंगे न्यू लेक्चर में 3D के साथ, थैंक यू।